तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। छठा अध्याय, गुरु क्या करता है। पहला, गुरु आपके लिए प्रेरणा बनता है। हम ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो हैं मगर उड़ नहीं सकते। जब हम एक पक्षी को उड़ते देखते हैं तो हमारे हृदय में उड़ान भरने की इच्छा जगती है। अब संभावना है कि हम उड़ पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि आपके नजदीक अगर किसी मनो शरीर यंत्र में परम ज्ञान मतलब सेल्फ प्राप्त होता है तो यह सबसे बड़ा अवसर है उत्सव मनाने का, नाचने का, गीत गाने का, क्योंकि अब आपके लिए परम संभावनाओं के द्वार खुले हैं। एक उदाहरण, एक ऐसी अलमारी कबर्ड जिसका ताला अपने आप बंद होता है। एक दिन उस अलमारी का ताला अपने आप बंद हो गया और ताले की चाबी उसके अंदर ही रह गई। अब अलमारी कैसे खोल पाएंगे बिना उसके ताले के तोड़ने से? उसकी दूसरी चाबी भी उपलब्ध नहीं है। अब तर्क से तो इसका कोई उत्तर संभव नहीं, मगर अतार्किक उत्तर यह है कि एक खुले अलमारी को बंद अलमारी के नजदीक रख दें, अपने आप बंद अलमारी खुल जाएगी। इस उदाहरण से समझें कि खुली अलमारी यानी गुरु का प्रतीक है, गुरु की ओर इशारा है। मात्र गुरु की उपस्थिति में तुम्हारे लिए भी अनंत द्वार खुल सकते हैं अपने अंदर की यात्रा करने के लिए, क्योंकि गुरु अपने आप पर है, अपने होने के एहसास पर है, अपने अस्तित्व के अनुभव में ही नहीं बल्कि स्वयं अनुभव ही है। इसलिए कहा गया है कि अगर तुम किसी की सहायता करना चाहते हो तो खुद पहले हर सहायता से परे मतलब बाहर हो जाओ, तब तुम किसी के लिए सबसे बड़ी सहायता कर सकते हो। जब तुम स्वयं पर होते हो, अपने होने के एहसास पर होते हो, तो समस्त मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ी सहायता हो सकती है, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए तुमने उनकी संभावनाओं के द्वार खोल दिए। गुरु अपने शिष्य के लिए उस श्रद्धा की नींव है जिससे ईश्वर प्राप्ति हो सके, परंतु गुरु ईश्वर का ही दूसरा प्रकट रूप है। इसलिए हम ये समझते हैं कि गुरु कुछ हमारे जैसा है और कुछ ईश्वर जैसा है। गुरु ईश्वर के करीब है, हमारे भी नजदीक है। सीधे ईश्वर से संबंध बनाना शायद हमारे लिए संभव ना हो, परंतु गुरु द्वारा ये संभव है। हम निराकार को तो समझ ना पाएंगे, मगर गुरु के आकार से शायद हम निराकार में झांक सके, निराकार को देख पाए। आपके मनन के लिए तेज गुरु वो जो ईश्वर का वो सही नाम बताएं, जो हर जाति हर मजहब हर समाज हर देश के लिए एक है। तेज गुरु सरश्री। दूसरा, गुरु ही तुम्हें अंतिम चोट करेगा। उदाहरणार्थ, एक पंछी पिंजड़े में बंद है, वर्षों से उस पिंजड़े में रहा है। कोई उसे बाहर निकालने के लिए पिंजड़े का दरवाजा खोल देता है, फिर भी पंछी पिंजड़े को पकड़े हुए है, फिर भी वो बाहर नहीं आ रहा। कोई उसे पिंजड़े से बाहर निकालता है, परंतु वह पंछी पिंजड़े की बाहर की दीवारों को पकड़े हुए है। अब आवश्यकता यह है कि कोई उसे दूर करे, आखिर धक्का दे, ताकि पंछी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ान भर सके। उसी प्रकार कोई शिष्य गुरु की शिक्षाओं में इतना ज्यादा उलझा रहे और उन शिक्षाओं के परे तेज सत्य को देख ही ना पाए, या वो बुद्धि से तो समझ ले कि गुरु क्या कह रहा है मगर अनुभव से दूर रहे, तब गुरु ये सब देखेगा, जांचेगा और शिष्य के लिए आवश्यक अंतिम चोट करेगा। गुरु ये भी देखेगा कि उसके शब्द मात्र कुल्फी की डंडी का ही काम करें। जिस तरह आप कुल्फी खाकर डंडी फेंक देते हो, उसे संभाल कर नहीं रखते, गुरु यही देखेगा कि उनके शब्द एक कांटे का ही काम करें। जैसे एक कांटा आपके पैर में गढ़ा हो और उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग किया, कांटा निकल जाने पर
आप दोनों ही कांटे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को संभाल कर रखेंगे, ये सोचकर के दूसरे ने बड़ी मदद की। वैसे तो गुरु के शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु एक अवस्था तक। अंत में सदगुरु तो तुम्हें उसके भी पार ले जाएगा, शब्दों के परे, निःशब्द में, मौन में, तेज मौन में। तेज गुरु सर श्री। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। क्या आप निराशा, डिप्रेशन के शिकार हैं? क्या नकारात्मक विचारों की वजह से आप दिन ब दिन निराशावादी बन रहे हैं? डिप्रेशन यानी डीप नेगेटिव इम्प्रेशन। डिप्रेशन में गए इंसान को छोटी से छोटी घटनाएं भी निराश कर देती हैं, जिस कारण उसके मन में बेचैनी, चिंता और डर के भाव आने लगते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर बार मैं ही क्यों? मुझसे कहां गलती हो रही है? इस तरह के सवाल उसके मन को विचलित कर देते हैं। इसी डिप्रेशन की वजह से उसके मन में सुसाइड के भी विचार आने लगते हैं। जब जीवन में निराशा जुड़ जाती है, तब इंसान स्वयं को लाचार महसूस कर दुख में, डिप्रेशन में जीने लगता है। यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि असल में डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह एक नकारात्मक वैचारिक ढांचा है। हर वह इंसान जो डिप्रेशन का शिकार है, स्वयं ही अपने आप को स्वस्थ करने में सक्षम है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वह स्वयं को और दूसरों को भी हील कर सकता है। कैसे, यह जानने के लिए सर श्री द्वारा लिखित जीने की चाह और आशा की राह, डिप्रेशन को करें बाय बाय, यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक द्वारा जानें क्या है डिप्रेशन से बाहर आने के आसान और प्रभावशाली उपाय, निराशा से फोकस हटाने के विभिन्न तरीके क्या हैं, निराशा में आशा की किरण क्या है, स्वास्थ्य की शक्ति को बाहर लाने के लिए काउंसलर कैसे बने, ऐसे सभी प्रश्नों के जवाब इस पुस्तक में दिए गए हैं। तो समय न गवाते हुए निराशा से मुक्त, आशावादी और शक्तिशाली जीवन जीने के लिए आज ही इस पुस्तक को ऑर्डर करें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।